अपने टीम स्पिरिट को भी दिखाया है, अपने टैलेंट को भी दिखाया है और एक पेशेंस नजर आ रहा था। मैं देख रहा था कि पेशेंस था, सो हड़बड़ी नहीं थी, बड़ा आत्मविश्वास से भरा हुआ आप लोगों का। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई है साथियों। पहले तो मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ आपका कि आपने हमें मौका दिया आपको आपके साथ मिलने का। और आपने जब हम नवंबर में अहमदाबाद में हम वो मैच हारे थे तो वहाँ पे भी आप आए थे जब हमारा थोड़ा समय इतना अच्छा नहीं था, तो हमें बहुत खुशी हुई कि आप आज हम आपको इस खुशी के मौके पे भी मिल सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो रोहित और इन सब लड़कों ने बहुत जो फाइटिंग स्पिरिट दिखाई है, जो नेवर से डाई एटीट्यूड दिखाई है, बहुत मैचेस में फाइनल में जाके भी वो बहुत मतलब इन लड़कों का बहुत क्रेडिट है इसमें। बहुत मेहनत की है इन लड़कों ने। बड़ी खुशी की बात है कि जो इन लड़कों ने इंस्पायर किया है, जो यंग जनरेशन आएगी, इन ये लड़के भी इंस्पायर हुए हैं। 2011 का जो विक्ट्री थी उसको देख के बड़े हुए हैं काफ़ी ये लड़के। तो अभी इन लड़कों ने ये परफॉर्मेंस देख के आई एम श्योर लड़के लड़कियां हमारे देश में इन लोगों को हर स्पोर्ट्स में बहुत इंस्पायर किया है। तो हम पहले शुक्रिया देना चाहते हैं आपका और मैं सिर्फ इन लड़कों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। बधाई तो आप लोगों को है भाई, देश के नौजवानों को आप बहुत कुछ आगे वाले दे सकते हैं। विक्ट्री तो दे दिए हैं लेकिन आप उनको बहुत इंस्पायर कर सकते हैं। हर छोटी छोटी चीज़ में आप देश के लोगों को गाइड कर सकते हैं। अपने आप में एक आपके पास एक अथॉरिटी है ना। चाहो क्यों सीरियस है मैंने सही पकड़ा है ना हरियाणा का कोई भी व्यक्ति हो वो हर हालत में खुश रहता है, वो हर चीज में खुश ही ढूंढता है जमीन कोई भी हो, मिट्टी कहीं भी की हो, लेकिन क्रिकेट का जिंदगी ही पिच पे होती है और आपने क्रिकेट की जो जिंदगी है उसको चूमा कि ये कोई हिंदुस्तानी ही कर सकता है। जहां पर हमें वो विक्ट्री मिली उसका मुझे बस एक पल जो था वो हमेशा याद रखना था और वो चखना था बस, क्योंकि उस पिच पर हम खेल के उस पिच पर जीते, क्योंकि हमने सब लोगों ने उस चीज का इतना वेट किया, इतना मेहनत किया। बहुत बार हमारे पास बिल्कुल पास में आया था वर्ल्ड कप बट हम आगे नहीं जा सके, लेकिन इस बार सब लोगों की वजह से हम उस चीज को हासिल कर सके। तो वो पिच मेरे लिए बहुत मतलब ये था कि उस पिच पे हमने वो जो भी हमने किया उस पिच पे किया, तो इसलिए वो बस उस मोमेंट पे वो हो गया मेरे से। हम लोगों ने पूरे टीम ने इस चीज के लिए इतना मेहनत किया था और वो मेहनत हमारी रंग लाई उस दिन। हर देशवासी ने मार्क किया होगा लेकिन रोहित मैंने दो एक्सट्रीम चीजें देखी इसमें, मुझे इमोशंस नजर आ रहा था और जब तुम ट्रॉफी लेने जा रहे थे जो नृत्य होता है सर उसके पीछे ये था कि जैसे हम सबके लिए इतना बड़ा मोमेंट था वो और हम सब लोग इस चीज का इतने साल से इंतजार कर रहे थे, तो मुझे लड़कों ने बोला कि आप सिर्फ ऐसे ही मत जाना चलकर, कुछ अलग करना तो ये चहल का आइडिया था क्या चहल और कुलदीप अच्छा तो आपकी ये रिकवरी की यात्रा कठिन है, प्लेयर के नाते तो शायद पुराने आपकी अमानत थी उसको आपने आगे कर लिया, लेकिन ऐसे समय कोई व्यक्ति रिकवरी करे ये, क्योंकि आपने उस समय काफी पोस्ट भी किए थे, मैं आपके पोस्ट देखता रहता था। थैंक यू पहले कि आपने हम सबको यहाँ बुलाया। इसके पीछे सर नॉर्मल थॉट था ये, क्योंकि एक डेढ़ साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था,
काफ़ी टफ टाइम चल रहा था वो, मेरे को याद है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपका कॉल आया था सर मेरी मम्मी को, तो बहुत ज़्यादा दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। बट जब आपको कॉल आया, मम्मी ने मेरे को बताया कि सर ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब थोड़ा मेंटली रिलैक्स हुआ काफ़ी। उसके बाद फिर रिकवरी के टाइम पे आसपास सुनने के लिए मिलता था सर कि क्रिकेट कभी खेलेगा या नहीं खेलेगा, तो मेरे को स्पेशली विकेट कीपिंग के लिए मेरे को बोलते थे कि यार बैट्समैन तो फिर भी कर लेगा, बैटिंग कर लेगा, बट विकेट कीपिंग करेगा या नहीं करेगा। तो पिछले 1.5-2 साल से सर यही सोच रहा था कि यार वापस फील्ड में आके जो कर रहा था उससे बेटर करने की ट्राई करनी है, और किसी और के लिए नहीं बट अपने आप को प्रूव करना है, नहीं वापस डेडिकेट करके कि यार नहीं वापस इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना है और इंडिया को जिताने को देखना है। ऋषभ, जब आपका रिकवरी चल रहा था, मैंने आपसे माँ से बात किया था, मैंने दो बातें कही थी। एक तो मैं पहले डॉक्टर से चर्चा की थी, तो डॉक्टर से मैंने ओपिनियन लिया था, फिर मैंने कहा कि भाई कहीं इसको बाहर ले जाना है तो आप मुझे बताइए, हम चिंता करेंगे। लेकिन मुझे आश्चर्य था आपकी माँ के आत्मविश्वास का। ऐसा लग रहा था जब मैं उनसे बात कर रहा था, मेरा परिचय तो नहीं था, कभी मिला तो नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे आश्वासन दे रही है। ये ना बड़ा 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 गजब का था जी। तो मुझे लगा कि जिसको ऐसी माँ मिली है वो कभी विफल नहीं जाएगा, ये मेरा मन में विचार आया था, उसी समय आया था जी, और आपने करके दिखाया जी। और सबसे बड़ा मुझे जो लगा, मैंने आपसे बात किया, किसी का दोष नहीं, ये मेरा दोष है, ये बहुत बड़ी बात है जी। वरना कोई भी बहाना निकालता, गड्ढा था, डिगना था, फलाना था, आपने ऐसा नहीं किया, ये मेरी गलती थी। शायद ये आपका जीवन के प्रति जो ओपननेस है, और मैं छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करता हूँ दोस्त, और हर किसी से सीखता हूँ। तो मैं सच बताता हूँ, आपका जीवन देश के पेशेंट्स इन जनरल और प्लेयर्स इन पर्टिकुलर बेपक्का बड़ी इंस्पिरेशन लेंगे जी। और मैं जानता हूँ जो विकेट कीपर होते हैं उनकी जो कोचिंग होती है कितनी कठिन होती है, घंटों तक अंगूठे पकड़ा के खड़ा रख देते थे, लेकिन आपने उसी लड़ाई को जीता है, तो बहुत बड़ा काम किया है जी, बधाई आपको। थैंक यू सर। उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन एक जो लंबी तपस्या होती है वो समय पे काम आती है। आपने खेल में जो तपस्या की है वो जरूरत पड़ने पर उसने अपना रंग बिखेरा। इस बार की लड़ाई तो आप उतार चढ़ाव वाली रही आपकी। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हम सबको यहाँ बुलाया, और ये दिन मेरे लिए बहुत हमेशा मेरे जहन में रहेगा, क्योंकि ये पूरे टूर्नामेंट में मैं वो कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता था। और एक समय पे मैंने राहुल भाई को भी बोला कि मैंने अपने आप को और टीम को दोनों को न्याय नहीं दिया अभी तक। तो इन्होंने मुझे बोला कि जब सिचुएशन आएगी तो मुझे भरोसा है कि तुम परफॉर्म करोगे। तो ये कॉन्वर्सेशन हमारी हुई थी, और जब हम खेलने भी गए तो मैंने पहले ही रोहित को बोला, क्योंकि मेरा जैसे टूर्नामेंट गया था मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था अंदर जब मैं खेलने जा रहा था कि वैसी बैटिंग हो सकेगी जैसी मैं करना चाहता हूँ। तो जब हम खेलने गए, मुझे पहले 4 बॉलों में 3 चौके मिले, तो मैंने इसको जाके बोला, मैंने कहा यार ये क्या गेम है ये, मतलब एक दिन ऐसे लगता है एक रन नहीं बनेगा और एक दिन आप जाते हैं और सब कुछ होने लगता है। तो वहां पे मुझे फील हुआ कि, और स्पेशली जब हमारी विकेट गिर गई, कि वो सिचुएशन में मुझे अपने आप को सरेंडर करना है टीम के लिए, क्या जरूरी है इस समय पे, सिर्फ वो ही मेरे फोकस में था। और मुझे ऐसा फील हुआ कि वो मुझे उस जोन में डाला गया। अब वो मैं किस वजह से डाला गया वो एक्सप्लेन करना मुश्किल है, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि बिल्कुल मैं उस मोमेंट में बंध गया। और बाद में मुझे समझ आया कि जो चीज़ होनी होती है वो
किसी भी तरीके से होती है, तो ये होना ही था मेरे साथ, टीम के साथ। अगर आप मैच भी देखें, जिस तरीके से मैच जीते एंड में, जो सिचुएशन थी, हम लोगों ने एक एक बॉल को जिया एंड में, जहां से मैच पलटा, और हमारे अंदर क्या चल रहा था वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते एक एक बॉल में कि मैच यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है। एक एक समय पे उम्मीद छूट चुकी थी, उसके बाद हार्दिक ने विकेट लिया, उसके बाद एक एक बॉल करके, एक एक बॉल करके वो एनर्जी फिर बनी। तो मुझे खुशी इस बात की कि मैं इतने बड़े दिन में कॉन्ट्रीब्यूट कर पाया टीम के लिए एक मुश्किल समय के बाद। और वो पूरा दिन जैसे गया हमारा, और जिस तरीके से हम जीते, जैसे मैंने बोला, वो मैं कभी नहीं बुला पाऊंगा अपनी जिंदगी में। तो मुझे बस खुशी थी कि मैं टीम को उस जगह तक ले जा पाया जहां से हम मैच को जीतने की कोशिश कर सकते हैं। ये सबको लग रहा था विराट की कि टोटल आपका 75 और बाद में एकदम 76 तो कभी कभार ये पल होती है जी, जब सब लोग कहते हैं यार तुम भी कर लोगे, वो भी एक बार करा करते ड्राइविंग फोर्स बन जाता है। लेकिन परिवार से इमीडिएट क्या रिएक्शन आया होगा जब 75 में दबे रहते थे तो? अच्छी बात ये थी सर, यहाँ टाइम का डिफरेंस ज्यादा है तो परिवार से ज्यादा बात नहीं हुई, मेरी मम्मी ज्यादा टेंशन ले लेती है। पर एक ही मतलब जो भी मैं करने की कोशिश कर रहा था वो हो नहीं पा रहा था, तो मुझे यही लगा कि जब आप अपनी तरफ से इतनी कोच और आपको ये लगता है कि मैं कर दूंगा, तो कहीं ना कहीं आपका अहंकार ऊपर आ जाता है, तो फिर खेल आपसे दूर चला जाता है। तो वही छोड़ने की जरूरत थी, और जैसे मैंने कहा कि गेम की सिचुएशन ही ऐसी बन गई कि मेरे लिए जगह ही नहीं थी अपने अहंकार को ऊपर रखने की, वो पीछे रखना ही पड़ा टीम के लिए। और फिर गेम ने, फिर जब गेम को इज्जत दी तो गेम ने वापस उस दिन इज्जत दी, तो मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ सर। पाजी नहीं सर, मैं जब भी इंडिया के लिए बॉलिंग करता हूँ तो बहुत क्रूशियल स्टेजेस पे बॉलिंग करता हूँ, चाहे नया बॉल हो या इडली खा के जाते हो क्या मैदान? नहीं 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 कभी भी सिचुएशन टफ होती है तो मेरे को सिचुएशन में बॉलिंग करनी होती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं टीम की मदद कर पाता हूँ और कोई भी टफ सिचुएशन से मैच अगर निकाल पाता हूँ तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, और आगे जाते हुए भी वो मैं कॉन्फिडेंस को कैरी करता हूँ। और स्पेशली ये टूर्नामेंट में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आई जहाँ मुझे टफ ओवर्स डालनी थी और मैं टीम को हेल्प कर पाया और मैच जिता पाया। जितना मैंने क्रिकेट को देखा है, हमेशा देखा 90 के बाद कितना ही विक्टरी का मूड हो, सब कुछ हो, फिर भी जो बैट्समैन होता है वो थोड़ा सीरियस हो जाता है 90 के बाद। वो वैसा ही लास्ट ओवर हो, हार जीत एक बॉल के सहारे हो, तो कितना बड़ा तनाव होता होगा। ऐसे में उन समय कैसे आप संभालते हैं अपने आप को? अगर मैं सोचूंगा कि हार जाएंगे या मेरे को मैच में कुछ एक्स्ट्रा करना है तो मैं शायद गलती कर दूंगा या नर्वस हो जाऊंगा, या क्राउड को देखूं या नर्वस होकर दूसरे लोगों को देखूं तो शायद मेरे से गलती हो सकती है। तो मैं उस टाइम फोकस करता हूं अपने आप के बारे में, सोचूं कि मैं क्या कर सकता हूं, और जब मैंने पहले अच्छा किया है तो मैंने क्या किया है जब मैंने टीम को हेल्प कर पाया हूं, तो उस वो सब चीजें याद करने की कोशिश करता हूं कि अच्छे दिन में मैंने टीम को कैसे हेल्प किया है, तो वो सब चीजें याद करके अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूं। लेकिन ये तो बड़ा तनाव रहता होगा यार, पराठे के बिना दिन निकलता नहीं है। नहीं सर, वेस्ट इंडीज में तो इडली पराठे कुछ भी नहीं मिल रहे थे जो मिल रहा था उससे ही काम चला रहे थे हम लोग पर या बहुत अच्छा सिनेरियो रहा, बहुत बैक टू बैक हम ट्रैवल भी कर रहे थे, तो एज ए टीम बहुत अच्छा टूर्नामेंट गया। फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप जीते, इतना इमोशंस कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो बहुत प्राउड फीलिंग है, और इससे बेटर फीलिंग मैंने आज तक एक्सपीरियंस ही नहीं की। बहुत बढ़िया किया आपने, लेकिन देश प्राइड कर गर्व होता है सबको। हार्दिक बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू बुलाने के लिए हमें, और आई मीन वो जो इंटरव्यू के टाइम जो मैं बोला था वो इसलिए था क्योंकि 6 महीने थोड़े काफी एंटरटेनिंग रहे मेरे लिए, काफी उतार चढ़ाव के साथ रहे हैं, जहाँ ग्राउंड पे गया हूँ और पब्लिक ने बूइंग किया है और बहुत सारी चीजें गई, और हमेशा मैंने माना था कि मैं जवाब अगर दूंगा तो मैं खेल से दूंगा, कभी अपने जवाब से नहीं दूंगा, और
या मतलब उस टाइम भी स्पीचलेस हूँ, अभी भी स्पीचलेस हूँ, क्योंकि जो बोलते ना एक, आप हमेशा झगड़ते रहते, मैं लाइफ में हमेशा मानता था कि आप यू नो बैटल में लड़ते रहे, कभी भी ग्राउंड छोड़ के ना जाए, क्योंकि ये मुश्किल भी यही दिखाता है और यू नो सक्सेस भी यही दिखाता है। सो बिलीव किया सर कि रहेंगे, मेहनत करेंगे और यू नो सब टीम प्लेयर्स का, सबका कैप्टन कोच सबका सपोर्ट बहुत बढ़िया था, और बस प्रिपरेशन किया और तैयारी की, और यू नो ऊपर वाले तकदीर भी ऐसी थी दैट लास्ट ओवर में मौका मिला। नहीं वो ओवर तो आपके हिस्टोरिकल हो गए, लेकिन सूर्या को क्या कहा आपने? सूर्या ने जब सूर्या ने कैच पकड़ा, हम सबका फर्स्ट रिएक्शन, हम लोग सबने सेलिब्रेट कर दिया। फिर रियलाइज हुआ कि सूर्या को पूछ तो ले कि भाई सूर्या परफेक्ट है ना, तो पहले कंफर्मेशन लिए कि भाई हमने सेलिब्रेट तो कर लिया, कि तूने तो उसने बोला कि नहीं नहीं और मतलब गेम चेंजिंग कैच पकड़ लिया, जहां से पूरे हम जहां टेंशन में था वहां से सब खुशी में खो गया सर। सर वो मोमेंट पे बस यही था कि कैसे भी करके बॉल, मतलब पहले ये नहीं सोचा था कि कैच पकड़ लूंगा या नहीं पकड़ूंगा, ये था कि बॉल ढकल दूंगा अंदर, एक रन हो दो रन हो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हवा भी वैसे चल रही थी। और एक बार जब आ गया हाथ में तो फिर यही था कि उठा के फिर दूसरे साइड दे दूं, फिर देखा रोहित भाई बहुत दूर थे उस टाइम पे, और उड़ाया और आ गया हाथ में। बट ये चीज हमने बहुत प्रैक्टिस करी हुई है पहले से, एक चीज के बारे में मैंने सोचा था कि बैटिंग तो मैं करता ही हूँ खाली, लेकिन वो खत्म होने के बाद और किस चीज में मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ टीम को, फील्डिंग में और किसी। ये भी प्रैक्टिस हो जाती है आपकी कि जिसमें बार बॉल गया फिर से उसको दोबारा लेना कैच करना? सूर्या ने तो 100 कितना कह रहा था, 150 160 ऐसे कैचेस पहले लिए हैं प्रैक्टिस में। हाँ टोटल मतलब सर टूर्नामेंट के स्टार्ट से और पीछे आईपीएल से जब आ रहा था तब बहुत सारा ऐसा कैचेस पकड़ा था, तो बट पता नहीं था कि भगवान ऐसा मौका देगा ऐसे टाइम पे पकड़ने के लिए, बट ऐसी प्रैक्टिस की हुई थी पहले से, इसीलिए वो सिचुएशन में थोड़ा इतना काम था और पता था कि ऐसे सिचुएशन पहले आ चुकी है। बट कोई पीछे स्टैंड में बैठा नहीं रहता वो टाइम पे, बट इस टाइम पे ज्यादा लोग बैठे थे, बट बहुत अच्छा लगा वो मोमेंट में रह के। मैं बताता हूँ जी भाई, इसकी तारीफ किए बिना रह नहीं सकता, क्योंकि एक तो पूरे देश का एक मिजाज उतार चढ़ाव बड़ा तनावपूर्ण था, और उसमें से पूरी परिस्थिति पलट जाए ये घटना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात बन जाती है, और आपकी जिंदगी के साथ ये जुड़ गई तो आप तो बहुत बहुत लकी इंसान हो यार। एक और स्टार लग गया सर, अच्छा लग रहा है। बहुत बधाई हो आपको। किसी मत सर, हम कुलदीप कहे कि देशदीप कहे? सबसे पहले सर देश का ही हो तो ऑब्वियसली सर भारत के लिए सारे मैच बहुत अच्छे लगते हैं खेलने में, बहुत मजा भी आता है, बहुत प्राउड भी फील करता हूँ, और टीम में मेरा रोल भी वैसा ही अटैकिंग स्पिनर का, तो हमेशा मिडिल ओवर में बॉलिंग करता हूँ, तो कैप्टन और कोच का हमेशा प्लान भी रहता है और रोल भी मेरा यही है कि विकेट निकालो मिडिल ओवर में, सो हमेशा कोशिश करता हूँ कि मिडिल ओवर में विकेट निकालूं, और फास्ट बॉलर अच्छे स्टार्ट दे देते हैं, एक दो विकेट निकाल देते हैं, थोड़ा इजी हो जाता है मिडिल ओवर में बॉलिंग करना, सो काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। 3 वर्ल्ड कप खेल चुका हूँ और ये अच्छा मौका था, ट्रॉफी उठाया तो बहुत खुशी हो रही है। तो कुलदीप तुम, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई कि तुम कैप्टन को नचा रहे हो? कैप्टन को मैंने नचाया? अरे सर वाह बहुत भाई सही, मैंने उनको बोला था कि ये करने के लिए, जब उन्होंने बोला कि कुछ करते नहीं तो मैंने इनको ही बताया कि ये कर सकते हैं, पर जैसे मैंने बताया था वैसा किया नहीं उन्होंने। शिकायत है। साथ में सबसे छोटू खिलाड़ी और 2024 में विजयी टीम के कैप्टन, क्या अनुभव करते हैं? सर सच बोलूं तो जब 2007 में मैं पहली बार टीम में आया था और एक टूर हमने आयरलैंड में किया था जब, जहां पे राहुल भाई कैप्टन थे, फिर उसके बाद हम सीधा साउथ अफ्रीका चले गए वर्ल्ड कप के लिए, तो वहां पे वर्ल्ड कप जीत गए पहली बार, तो जब इंडिया आए हम वर्ल्ड कप जीत के, तो पूरी मुंबई
रास्ते में थे, हमें एयरपोर्ट से वानखेड़े स्टेडियम जाने के लिए 5 घंटा लगा। तो 2-3 दिन के बाद मैंने रियलाइज किया कि वर्ल्ड कप जीतना काफी आसान है, लेकिन उसके बाद वर्ल्ड कप आते गए, बहुत बार हम पास पहुंचे बट जीत नहीं पाए। ये वर्ल्ड कप में मैं एक चीज बड़े कॉन्फिडेंट से बोल सकता हूं कि लोगों में काफी डेस्परेशन और बहुत हंगर था। जब हम यहां से वेस्ट इंडीज गए, काफी मुश्किलें थी वहां पे। जब हम न्यूयॉर्क में पहली बार क्रिकेट हो रहा था, कभी क्रिकेट वहां पर हुआ नहीं था, प्रैक्टिस करने के लिए ग्राउंड अच्छे नहीं थे, लेकिन किसी भी लड़कों का उस चीज में ध्यान नहीं था, बस एक ही चीज में ध्यान था कि हम बार्बाडोस में फाइनल कैसे खेलेंगे। तो उससे मतलब ऐसे टीम को कैप्टनसी करना भी काफी अच्छा लगता है कि सबका गोल एक है कि कैसे जीतना है। और जब हम देखते हैं कि लोगों के चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट है और लोग इंजॉय कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, रात रात तक सड़कों में घूम रहे इंडिया का फ्लैग लेकर, तो काफी अच्छा लगता है। और हम ये जो ग्रुप है यहाँ पर, इनका हमारा एम भी यही है कि हम नेक्स्ट जनरेशन को कैसे इंस्पायर करते जाए। जैसे जब राहुल भाई और सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली, लक्ष्मण, ये लोग सब खेलते थे तो हम सब उनको देखते थे, तो उन्होंने हम सारे लड़कों को इंस्पायर किया है। बट हमारा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आगे वाले जनरेशन आएंगे उनको हम कैसे इंस्पायर कर सकते हैं। और ये शायद ये वर्ल्ड कप से आई एम श्योर कि आने वाले पीढ़ी में वो उत्साह बिल्कुल रहेगी। रोहित, आप हमेशा इतने सीरियस रहते हो। ये तो एक्चुअली लड़के ही बता सकते हैं। सब मैच जीतना, और इस बार तो आपका कुनबा भी बड़ा था, कई नए नए देश जुड़ रहे हैं अब। और क्रिकेट में ये बात सही है कि जो खेलता है वो इतनी मेहनत करके आता है तो उसको शायद अंदाज नहीं आता है कि मैंने इतना बड़ा काम किया, क्योंकि वो तो लगातार करते आया है। देश पर तो प्रभाव होता है, लेकिन भारत की एक क्रिकेट की एक विशेषता है, भारत की क्रिकेट की यात्रा बड़ी सफल रही है, उसने अब और खेलों में भी इंस्पिरेशन का काम करना शुरू किया है। और खेल के लोग भी सोचते हैं यार क्रिकेट में हो सकता है, यहां क्यों नहीं हो सकता है। यानी ये बहुत बड़ी सेवा आपके माध्यम से हो रही है, ये अपने आप। और देश को अगर आगे हमें बढ़ाना है, हमें सभी खेलों में वही स्पिरिट पैदा करना है कि दुनिया में हम झंडा गाड़ के आएंगे। और मैं देख रहा हूं आज देश में और छोटे छोटे गांव से टैलेंट मिल रही है जी, टियर 2 टियर 3 सिटी से टैलेंट मिली। पहले तो बड़े शहर बड़ी क्लब वहीं से आते थे, अब ऐसा नहीं। आप देखिए आपकी टीम में भी आधे से अधूर लोग ज्यादा ऐसे हैं जो छोटे छोटे स्थान पर से आए। ये एक्चुअली विजय का प्रभाव है और जिसका परिणाम हमें लंबे अरसे तक मिलता है। अफगानिस्तान के मिनिस्टर का बयान था तो बड़ा इंटरेस्टिंग बयान था, उनको साउथ अफ्रीका के साथ लास्ट में खेलने का मौका मिला, ये यात्रा उनके लिए बहुत बड़ी सफलता की यात्रा थी, लेकिन उन्होंने क्रेडिट भारत को दी। बोले अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम का ये जो प्रगति है उसका अगर क्रेडिट किसी को जाता है तो भारत के लोगों ने हमारे बच्चों को तैयार किया उसके कारण गए। नहीं, श्रेय इन लड़कों को जाता है, क्योंकि हम लोग, मैं ऑलवेज कहता हूँ कि मैं प्लेयर रह चुका हूँ और मैं कोच भी रह चुका हूँ, हम सिर्फ इन लड़कों को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं इस पूरी टूर्नामेंट में मैंने एक रन भी नहीं किया बनाया या एक विकेट भी नहीं ली, एक कैच भी नहीं ली, हम सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं। और सिर्फ मैं नहीं, हमारी जो पूरी टीम होती है, एक सपोर्ट स्टाफ की टीम होती है, हमारे जो दूसरे कोचेज होते हैं, हमारे बहुत अधिकृत सपोर्ट स्टाफ की जो टीम होती है, मेरा ये मानना है कि वो बहुत मेहनत करते हैं, वो काम करते हैं, और हम सिर्फ इन लड़कों को सपोर्ट कर सकते हैं। जो प्रेशर का सिचुएशन होती है, रन बनाने हैं विराट को या बुमराह को या हार्दिक को या रोहित को या सब लोगों को यहाँ पे, ये लोग करते हैं, तो हम इनको सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं। इनको जो चाहिए उनको हम ये दे सकते हैं उनको, और पूरा श्रेय इन लोगों को जाता है। उन्होंने ऐसा खुशी का मौका मुझे दिया, एक
एक ऐसा खुशी का मौका मुझे दिया, मुझे मतलब मैं सिर्फ शुक्रगुजार हूँ इन लड़कों का। मैं देख सकता हूँ कि शायद कुछ लोगों को विजय के जो हर्ष के आंसू है वो जब देखते हैं तब पता चलता है कि पराजय के पल कितने कठिन गए होंगे। पराजय के पल उस माहौल में लोग फील नहीं कर पाते, वो कितनी वेदना झेलता है एक प्लेयर, क्योंकि इतनी तपस्या करके ही आया होता है और एक कदम के लिए रह जाता है, और जब वो विजय प्राप्त करता है उसकी खुशी से पता चलता है कि वो पराजय की पल कितनी कठिन गई होगी। और मैंने उस दिन इन सबको देखा था जी, मैं खुद फील करता था कि, और विश्वास भी था कि ये ओवरकम कर जाएंगे, और मुझे लग रहा है कि आज आपने वो करके दिखाया है। बहुत बहुत बधाई की बात रहे आपको।